जो जॉब आपको परेशान कर रही है, मिल नहीं रही है, इसे मिलने के लिए, इसे पाने के लिए क्या करें, ये जानते हैं। देखिए, जॉब मिलने की रेमेडीज तो मैं आपको बताती ही हूँ, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी इम्प्रेसिव नहीं होगी तो रेमेडी भी फीकी पड़ जाएगी। अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाने के लिए आप क्या करें, कुछ खास टिप्स लीजिए। एक, फाइल को लेफ्ट हैंड में पकड़कर इंटरव्यू रूम में एंटर करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप किसी भी से भी हैंडशेक कर सकें। अपने राइट हैंड को फ्री रखें, तो फाइल कहाँ पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड में। ध्यान रखें कि फाइल को बिल्कुल चेस्ट से लगाकर ना रखें। हम किसी भी चीज़ को चेस्ट से कब लगाते हैं, जब इनसिक्योर होते हैं। तो चेस्ट से लगाकर अगर घुस रहे हैं फाइल को, तो सामने सामने जो आपके इंटरव्यू लेंगे उन्हें पता चल जाएगा कि आप इनसिक्योर हो रहे हैं। तो कॉन्फिडेंटली पकड़ें और चेस्ट और फाइल के बीच में गैप रखें। एक और खास बात, नॉक किए बिना इंटरव्यू रूम में एंटर ना करें और परमिशन मिलने पर ही अंदर जाएं। कई बार हम यूं ही चले जाते हैं कि अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, बस नॉक किया, हाँ का इंतज़ार भी नहीं किया और गया। ये छोटी छोटी बातें आपकी इनपेशेंस को शो करती हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। जब तक आपसे कहा ना जाए, तब तक आप कुर्सी पर ना बैठें। इससे सामने वाले को ये यकीन होगा कि आप ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, और एम्प्लॉई तो हमें ऐसा ही चाहिए होता है ना, जो हमारी बात माने। इसके बाद जब आप बैठ जाएं, तो थैंक यू कहना नहीं भूलें, क्योंकि ऐसा कहने पर सामने वाले को आपके एटिकेट्स का पता चलेगा। इंटरव्यू के समय चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। स्माइलिंग फेस सबको अच्छा लगता है, और जितना नेचुरली और नॉर्मली आप स्माइलिंग रहेंगे, ओवर भी नहीं कीजिएगा, हाँ जितना नेचुरल रहेंगे उतना ज़्यादा आपके बॉसेस जो इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, उनको ये पता चलेगा कि आप किसी भी सिचुएशन में काम रहते हैं। इंटरव्यू के दौरान कुछ चबाए नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में काउंट होती है। कई बार लोग इलायची, सौंफ, च्युइंगम, पता नहीं क्या क्या च्यू कर रहे होते हैं, कुछ भी च्यू नहीं करना है। और एक बात, अपनी चेयर को इंटरव्यू लेने वाले के ठीक सामने ना रखें। बैठते वक्त इसको थोड़ा खिसका लें, ताकि आप थोड़ा तिरछा होकर बैठें। मैं आपको बताती हूँ, जब भी हमें किसी से लड़ना होता है, आर्ग्यूमेंट करना होता है, तो बिल्कुल सामने अटैक किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़े तिरछे होकर बैठते हैं, एक सॉफ्टनेस आ जाती है, एक नरमी आ जाती है। तो बिल्कुल सामने ना बैठें, क्योंकि ये एकदम सामने वाले को अटैकिंग पोजिशन लगती है। थोड़े तिरछे होकर बैठें, उनसे थोड़े डायगनल होकर अपनी चेयर को खिसका कर बैठें, ताकि आपके अंदर वो कोई कॉम्पिटिटर ना देखे। एक बात और, अपना कोई सामान टेबल पे ना रखें। आप रेस्टोरेंट में थोड़ी ना खाना खाने आए हैं। अपना सामान अपने पास में ही रखें, अगर हैंडबैग भी है तो नीचे रख दिया या साइड में टांग दिया, इस तरीके से करें। तो आज के दिन आप ऐसा क्या खास कर सकते हैं कि मज़ा आ जाए, बहुत अच्छा रहे। दिन की बात तो हम कर ही लेंगे, लेकिन चलिए इससे पहले आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ मोबाइल के बारे में बात करते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे बेहद ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसी खुशखबरी आपको देने जा रही हूँ जिससे आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। क्या आपको पता है कि आपका मोबाइल किस तरह आपको अच्छी खबर सुना सकता है? नहीं पता तो जान लीजिए, मोबाइल से कैसे मिलेगी खुशखबरी। अगर आप अपने फ़ोन के बैक पर रेड, येलो और पिंक कलर के कवर्स लगाते हैं, तो ये कलर हैप्पीनेस के कलर हैं। इन कलर्स को अगर बार बार टच कर आप फ़ोन पे बात करते हैं, तो इससे आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट बढ़ने लगेगी। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको गोल्डन कलर का फ़ोन, जो पीछे से गोल्डन हो, या गोल्डन कलर का कवर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये कलर प्रॉस्पेरिटी का कलर है, सूर्य का रंग है। इस रंग को बार बार छूने से आपका नाम भी सूर्य की किरणों की तरह फैलेगा, चमकेगा। अगर आप अपने मोबाइल में धरती का स्क्रीन सेवर लगाते हैं, यहाँ पे अगर अर्थ का स्क्रीन सेवर लगाते हैं, और रोज़ 5 मिनट के लिए स्क्रीन सेवर पर हाथ रखकर सबके लिए सुख शांति मांगते हैं, तो फिर देखिएगा कमाल, आप अपने सारे नेगेटिव कर्मास को ख़त्म कर देंगे।